वर्चुअल शॉपिंग। दोस्तों ये नाम आप में से बहुत से लोगों के लिए नया जरूर होगा, लेकिन ये इतना तेजी से फैल रहा है कि धीरे धीरे एक इंसान की खरीदारी करने के नजरिए को ही बदलता जा रहा है। जरा सोचिए कैसा हो कि अगर आप 3D टेक्निक के जैसे आप एक शॉपिंग मॉल जैसा एक्सपीरियंस अपने घर बैठे ले सकें। सुनने में ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, लेकिन ये सुनकर आप हैरान हो सकते हैं कि ऐसा हकीकत में होने जा रहा है, और वो कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज अब महामारी के बाद हमारी रोजाना की जिंदगी में अपनी जगह और यूजेस को बढ़ाती चली जा रही हैं। लोग पहले से कहीं ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, और ये हो पाया है नेटवर्किंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लगातार विकास की वजह से। जहां कुछ साल पहले तक लोग मॉल में अपने पूरे परिवार के साथ जाकर शॉपिंग करना पसंद करते थे, फूड कोर्ट में खाना खाना, और अगर थोड़ा टाइम बच जाता तो मॉल में बने सिनेमा में लगी हुई कोई मूवी भी देख लेते थे, वहीं अब समय कम होने के साथ साथ बिजी रूटीन के चलते लोगों की जिंदगी की ये रियलिटी भी वर्चुअल होती जा रही है। बस इसी कमी को भरने में ये ऑनलाइन मॉल काम आता है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और ये पॉसिबल होगा मेटावर्स की मदद से। वर्चुअल शॉपिंग मॉल को ऑनलाइन 3D शॉपिंग मॉल के रूप में ही डिस्क्राइब किया जा सकता है, जहां पर एक इंसान असल जीवन की तरह 3D तकनीक के माध्यम से शॉपिंग मॉल में आ जा सकता है। आपको मॉल में आने और जाने के लिए मेटावर्स नाम की दुनिया में उतरना होगा, जो कि एक आम दुनिया की तरह ही दिखाई देती है, पर वहां पर आप खुद फिजिकली नहीं उतरेंगे, बल्कि आपका एक अवतार इस दुनिया में जाएगा जिस पर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। जिन्हें ना पता हो, हम आपको इस अवतार का कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझाते हैं। एवेटर्स मतलब होता है 3D रिप्रेजेंटेशन या असली लोगों के प्रतिरूप। वही मेटावर्स में भी यूजर्स अपने हिसाब से कस्टमाइज अवेटर्स तैयार कर सकते हैं, और वहीं किसी भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक और पर्सनालिटी को धारण कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के भीतर ही आपके अवतार दूसरे अवतार से इंटरैक्ट कर पाएंगे। अब वापस इस बारे में बात करें कि आप इस मॉल में क्या क्या कर पाएंगे, तो उसमें से ये एक छोटा सा सैंपल है। यहाँ पर खरीदार कपड़ों की दुकानों, फार्मेसी, बैंकों, जूते की दुकानों, किताबों की दुकानों के साथ साथ और भी चीजों की खरीदारी कर सकता है। आप इसे काफी हद तक एक वीडियो गेम से मिलता जुलता कह सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके कमरे में बैठकर खरीदारी करने का एक नया आकर्षक और रोचक तरीका आपको देता है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले शुरू करने वाले हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर सर्ज ज्ञान चंदानी, जिन्होंने मेटामॉल कंपनी की स्थापना 2021 में की थी। ये एक वर्चुअल रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जो यूजर्स को मेटावर्स में रियल एस्टेट खरीदने में मदद करती है। मेटामॉल में बिजनेस डेवलपमेंट हेड का ये कहना है कि आप यहाँ पर अपना मॉल बनाने के लिए लैंड भी खरीद सकते हैं, या फिर उसे लीज पर भी ले सकते हैं। अब खरीदारी की बात निकली है तो हम आपको बता दें कि 2021 में मेटावर्स में जमीन की कीमत $225 यानी कि सिर्फ 18,532 रुपए में आपको यहां पर जमीन मिल जाती। जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था, आज वो अपनी इन्वेस्टमेंट से काफी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि 2022 की शुरुआत में ही ये सीधा $11,000 यानी कि भारतीय रुपए में लगभग 9 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। इसका हाल भी कुछ बिटकॉइन जैसा ही है। समय के साथ साथ लोगों को जैसे मेटावर्स का पोटेंशियल समझ में आएगा, वैसे इसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। तो ये थी मेटामॉल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। आइए अब इससे हमें क्या फायदे होंगे इसके बारे में जानते हैं। मेटावर्स में आखिर कैसे ब्रांड्स होंगे, और अगर एक इंसान यहाँ मॉल खोलना चाहे तो उसकी जमीन खरीदने के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो इस मॉल में शुरुआत में 20 ब्रांड्स होंगे, और समय के साथ ये नंबर 200 से 250% तक पहुंच जाएगा। इस मॉल में आपको कॉस्मेटिक ब्रांड से लेकर आम आदमी की जिंदगी में काम आने वाले तमाम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑफिस स्पेस भी रेंट किया जाएगा, और छोटे बच्चों के लिए गेमिंग जोन भी होगा। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों की आज की जिंदगी के साथ जोड़ते हैं। आज के टाइम में ज्यादातर लोग अपना काम करते करते अपना दिन बिता देते हैं, और उसके बाद भी अगर थोड़ा समय बचता है तो वो अपने परिवार को देते हैं। अब साफ सी बात है कि अगर एक इंसान अपना सारा दिन इन्हीं चीजों में दे देगा तो उनके पास खरीदारी के लिए शायद समय कहां से मिले। ऐसे लोगों के लिए वर्चुअल खरीदारी उनको मार्केट में खुद जाकर खरीदारी करने से बचने के लिए एक किफायती और कुशल तरीका बनकर सामने आता है। मेटामॉल में जितने भी फीचर्स और रिचुअल्स हैं, उन्हें और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हाई क्वालिटी एनिमेशन का भी यूज किया जाता है। दोनों 360 डिग्री एनिमेशन और प्रोडक्ट्स की 3D एनिमेशन एक नया ऑनलाइन अनुभव कराते हैं जो काफी आकर्षक है।
ये कस्टमर कन्वर्जन रेट को बढ़ाने में मदद करता है। वैसे अगर वर्चुअल शॉपिंग मॉल और ई कॉमर्स वेबसाइट को एक साथ कंपेयर किया जाए तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट की तुलना में ज्यादा बेहतर है। वर्चुअल यूजर्स कई दुकानों पर जा सकते हैं, अन्य ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं से भी मिल सकते हैं और अपनी शॉपिंग प्रेफरेंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। पर ये सभी फीचर्स आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेगा भी तो इतना एफिशिएंट नहीं होगा। वर्चुअल शॉपिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि इस तरह की शॉपिंग को कभी भी और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। यूजर्स को अपने पसंद के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए फिजिकली किसी भी दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, खरीदी गई चीजों को सीधे ग्राहकों के घर या उनकी पसंदीदा जगह पर पहुंचाया भी जाता है। तो ये थे इसके कुछ फायदे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके सिर्फ फायदे ही फायदे होंगे, हकीकत में इस मेटामॉल के कई सारे नुकसान भी हैं। अब एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। कई यूजर्स का ये मानना है कि वर्चुअल खरीदारी असुरक्षित है, फिशिंग और हैकिंग की समस्या इसमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। जिन लोगों को फिशिंग के बारे में ना पता हो तो हम आपको उसके बारे में कुछ सेकंड्स में बता देते हैं। इसका मतलब आसानी से समझाने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। समझ लीजिए कि आपको कोई कॉल करता है और कहता है कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है और आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए आपकी कुछ डिटेल्स चाहिए। इन डिटेल्स में आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV और OTP मांग लेते हैं। जैसे ही आप ये डिटेल्स उन्हें दे देते हैं, आपका अकाउंट कुछ ही सेकंड में खाली हो जाता है। यह आपने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई जामतारा को देखकर समझ ही लिया होगा। फिशिंग को इंटरनेट उपभोक्ताओं की पर्सनल और प्राइवेट जानकारी प्राप्त करने का एक प्रोविडेंट तरीका बताया जा सकता है। दूसरी ओर हैकिंग वो प्रक्रिया है जब लोग दूसरे लोगों की निजी जानकारी चुराने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हैकिंग के सबसे बड़े मामले में एक कंपनी को लगभग $200 मिलियन की चोरी और 40 मिलियन से अधिक क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर्स की बिक्री के लिए पकड़ा गया। यदि जरूरी सावधानियों नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ऑनलाइन शॉपिंग वास्तव में असुरक्षित हो सकती है। अब इस टेक्नोलॉजी को स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखते हैं। मेटावर्स में ज्यादा समय बिताना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये एक इंसान की बॉडी काफी इनएक्टिव हो जाती है। इसी वजह से कुछ लोग सीधे शॉपिंग मॉल जाना पसंद करते हैं, तो इसके साथ इसके नुकसान भी खत्म हो जाते हैं। चलिए, वादे के मुताबिक अब हम आपको मेटावर्स के बारे में थोड़ा और गहराई से समझाते हैं। मेटावर्स में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी दूसरे इंसान के बिल्कुल सामने बैठे हैं और उससे लाइव बातें या उसका प्रोग्राम देख रहे हैं। मेटावर्स एक ऐसी जगह है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि ये सभी चीजें ऑनलाइन ही होंगी। मेटावर्स को आप एक डिजिटल इंटरसेक्शन समझ सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, शॉपिंग, क्रिप्टोकरेंसी और एक्चुअल रियलिटी, जहां आज के एप्स और प्लेटफॉर्म से बहुत ही कम और लिमिटेड फंक्शनैलिटी दी है। मेटावर्स में यूजर्स को पूरी छूट होगी कि वो वर्चुअली कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 2 खिलाड़ी कुछ खेल रहे हैं जैसे कि लूडो, लेकिन अभी उन्हें खेलने का मन नहीं किया, ऐसे में वो चाहे तो खेल को वहीं रोककर वो इस दुनिया के अंदर जा सकते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं और जो भी करना है कर सकते हैं। वहीं अंत में फिर से अपने गेम को वहीं पे शुरू कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, आज के समय में देखा जाए तो ये डिजिटल वर्ल्ड एक छोटे से मॉल की तरह ही लगता है, जहां हर स्टोर अपनी खुद की करेंसी, कंटेंट और आईडी कार्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन मेटावर्स में सब कुछ बदलने वाला है, यानी कि सभी चीजें इंटरऑपरेबल होंगी। डिजिटल एसेट्स, कंटेंट, डेटा कहीं भी किसी भी जगह तक ले जाया जा सके। यानी कि अगर आप एक कार के शोरूम से कुछ खरीदें तो उसे आप आगे उस वर्चुअल दुनिया में कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदल लिया है। फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम मेटा रखा है। इसकी चर्चा पहले से चल रही थी, अब कंपनी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहती है। फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड नई टेक्नोलॉजी मेटावर्स के लिए किया है। इससे ये अपनी प्रोजेक्ट मेटावर्स में कई अरब रुपए इन्वेस्ट करेगा। इसके पीछे की वजह फेसबुक का एडवर्टाइजिंग बिजनेस का कम होना बताया जा रहा है। वही टेक्नोलॉजी और बिजनेस में मेटावर्स कॉन्सेप्ट काफी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। मेटावर्स काफी बड़ा आइटम है। आपका इस मॉल के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि ये आम मॉल को पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएंगे, और क्या आप इस मेटावर्स मॉल में जाना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। और चलिए मिलते हैं जल्द ही एक बेहद रोचक वीडियो के साथ।